ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. कैसे हैं आप सभी? आई होप एकदम बढ़िया होंगे और बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपने रिजल्ट की अपडेट्स की वेट कर रहे होंगे, राइट? आज एक्सपेक्टेड है कि क्लास टेंथ का रिजल्ट आ जाएगा, बाकी देखते हैं. देखिए, हमने अपनी कल की क्लास में स्टार्ट किया था द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर बुक एट द लास्ट चैप्टर ऑफ योर फर्स्ट प्रीटर्म, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स. तो वो हमने पार्ट बिजनेस एथिक्स वाला नहीं करना है, बिकॉज दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम योर सिलेबस. अभी हमने पढ़ना है व्हाट इज द केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 4 पॉइंट्स ऑफ केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. टुडे वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग 3 पॉइंट्स एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. हैव अ लुक एवरीवन. फिफ्थ पॉइंट इज सेइंग सोशल पावर. ये पॉइंट कह रहा है एवरी बिजनेसमैन इज हैविंग मेनी सोशल पावर्स. And if he fails to use the power in a proper manner, then his power will be taken back by the society. क्या power है आपके पास? आपके पास ये power है कि आप economy की growth को influence कर सकते हो. You can influence the employment opportunities in your nation. You can affect the distribution of income in the society. किसके पास है ये power? Business organization के पास. एक businessman की वजह से income का distribution होता है, तो businessman ही decide करेगा कि सोसाइटी में रिच पीपल क्रिएट करने हैं या नहीं करने, कैसे काम करने. एक बिजनेसमैन ही सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है. तो ऐसे बहुत सारी पावर्स है जिससे एक बिजनेसमैन सोसाइटी को ग्रोथ के डायरेक्शन में लेके जाता है. यहाँ इस पॉइंट में आपको ये कहा हुआ है कि इन केस अ बिजनेसमैन फेल टू फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसी सिचुएशन में सोसाइटी उससे उसकी पावर्स वापस ले लेगी. तो लैंग्वेज फॉर्म में रीड करते हैं. A business firm has considerable social power. एक बिजनेसमैन के पास, जैसे मैं तो आपको कल जैसे समझा रही थी, मेरा एग्जाम्पल लेके वैसे ही एक्सप्लेन करती हूँ. A teacher is having power to change the life of students, right? एक टीचर के पास ऐसी पावर्स है. अब अगर वो अपनी पावर का मिसयूज करता है तो उससे उसकी पावर ले ली जाएगी. सेम इज विद द बिजनेसमैन. सो हैव अ लुक. A business firm has considerable social power. It directly affects the rate of economic growth, employment opportunities, distribution of income, etc. Direct impact hota hai in sab. Business has a corresponding responsibility towards the society. Power hai to aapki society mein kuch responsibilities bhi hai. And there must be a balance between power and responsibility. Ek balance hona chahiye. In case of any imbalance, the doors will get open towards the irresponsible behavior. ठीक है. द पावर इज गिवन टू मीट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ बिजनेसमैन अवॉइडेड, देन सम ऑफ इट्स पावर कैन बी विथड्रॉन बाय द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल ग्रुप्स. अगर बिजनेसमैन अपनी पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करता है तो उसकी कुछ पावर्स उससे वापस से छीन ली जाएगी, ले ली जाएगी. नाउ हैव अ लुक नेक्स्ट पॉइंट. मैं एक बार फिर से समझा दूं. एक बार फिर से समझा दें. ये पॉइंट कह रहा है कि बिजनेसमैन के पास सोसाइटी को चेंज करने की पावर है. यानी बिजनेसमैन के पास ये पावर है कि वो सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके, वो सोशल प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सके, वो सोसाइटी में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड कर सके. अगर वो बिजनेसमैन अपनी पावर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाया, उस कंडीशन में सोसाइटी उससे उसकी पावर वापस ले लेगी, गवर्नमेंट उससे उसकी पावर वापस ले लेगी. तो अगर आप पावर को रिटेन करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करें. अगर आपने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं की तो गवर्नमेंट आपसे आपकी पावर्स छीन लेंगी, आपकी पावर्स वापस से रिमूव कर लेंगी. इज इट ओके नाउ? यस मैम. अभी आपने कहा कि अगर आप अपनी पावर को मिसयूज करें तो प्रिंसिपल ले लेगा पावर. तो बिल्कुल वो मेरी पावर ले लेंगे मुझसे वापस. अगर मैंने मिसयूज करे फिर हो सकता है सोसाइटी उससे उसकी पावर ले ले. अगर एक स्कूल का हेड, एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का हेड बच्चों के साथ मिस, सोसाइटी कैसे लेगी? बनाई खुद के रुपयों से बनाई है तो सोसाइटी बिल्कुल सोसाइटी इनडायरेक्टली लेगी बेटा. धीरे धीरे उस स्कूल में एडमिशन खत्म होने लग जाएंगे और वो स्कूल एग्जिस्टेंस से चली जाएगी. आप सोचिए कस्टमर के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी बिजनेस को फिनिश कर सकता है. हम गुड रिव्यूज से ज्यादा बैड रिव्यूज पे फोकस करते हैं, राइट? और बैड रिव्यूज इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं कि हो सकता है वो स्कूल ही उस सोसाइटी से खत्म हो जाए. क्यों? क्योंकि अगर आप मिसबिहेव कर रहे हो तो धीरे धीरे पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां से निकालना स्टार्ट कर देंगे. और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे ही नहीं आएंगे तो क्या वो चल पाएगी? बताइए, नहीं चल पाएगी. नो मैम,
तो सोसाइटी धीरे धीरे पावर्स को वापस ले लेगी. इज इट ओके नाउ? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखिए, रिसोर्सेज यूज फॉर मोरल जस्टिफिकेशन. मोरल जस्टिफिकेशन का मीनिंग है लोगों की हेल्प करने के लिए, मोरालिटी के लिए, वेलफेयर के लिए. यहाँ ये आपको बताना चाह रहे हैं कि एक बिजनेसमैन के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं. एक बिजनेसमैन के पास मनी है, टैलेंट है, टेक्निकल स्किल्स है, फिजिकल रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी है. अब अगर बिजनेसमैन इन रिसोर्सेज को यूज करके गवर्नमेंट की हेल्प करे सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, तो उससे सोसाइटी की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सकती है और बिजनेसमैन की गुडविल भी इंक्रीज हो सकती है. तो यहाँ पे सिंपल सी बात कही हुई है दैट अ बिजनेस हैज रिसोर्सेज सच एज मनी, टैलेंट्स, एक्सपर्टीज इन टेक्निकल एरियाज, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज एक बिजनेसमैन के पास है. अब वो बिजनेसमैन गवर्नमेंट को हेल्प कर सकते हैं इन्हीं रिसोर्सेज के साथ इन सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम, जैसे COVID-19 के टाइम पे किया था ना, अपनी फैक्ट्रीज को जो शट डाउन पड़ी थी उनको उनमें बेड्स क्रिएट कर देना ताकि जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको एक स्टेइंग फैसिलिटी दी जा सके. ऐसा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने किया था. तो आप अपने रिसोर्सेज को वेलफेयर पर्पज के लिए यूज करें, ये भी आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और ये अल्टीमेटली आपकी इमेज को इम्प्रूव करेगी. Examples are given over here. A businessman can help in solving the problem of regional disparity by setting up industries in backward area. Regional disparity क्या होती है? कोई area बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है और कोई area पीछे रह जाता है, कोई area backward रह जाता है. तो जब backward रह गया और कोई area आगे निकल गया तो economy में आ गई regional disparity. यानी region wise यहाँ पे differences develop हो गए. In such a situation, a businessman can set up the industry in backward region. जो develop नहीं हुए हैं वहाँ पे industry set up कर लीजिए ताकि वहाँ के लोगों को employment opportunities मिलेगी और जब उनको employment opportunities मिलेगी तो backward area के भी development होने लगेगा. किसी भी area का development depend करता है वहाँ पे कितनी industries है उसपे, वहाँ का growth and development business पे depend करता है. तो ज़्यादा से ज़्यादा industries backward area में लगा के a businessman can help in solving the problem of regional disparity. Next, for solving the problem of unemployment, businessman लोगों को job opportunities दे सकता है, right? तो business को हर तरीके से society की help करनी चाहिए. अभी कोविड में वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम आई थी तो बहुत सारे बिजनेसमैन ने कैंप्स के लिए पैसा डोनेट किया था. जो वैक्सीनेशन कैंप्स होते हैं उनके लिए पैसा डोनेट किया था, राइट? तो वो सारी चीजें जो है वो बिजनेसमैन कर सकता है ताकि प्रॉपर वे में सोशल वेलफेयर हो सके. नेक्स्ट, ये सिक्स्थ पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट था केस फॉर सोशल. बाकी सब तो ये कह रहे हैं क्यों आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए. ये कह रहा है इसलिए भी करनी चाहिए ताकि आपके रिसोर्सेज से कुछ भला हो, किसी का भला हो, किसी का वेलफेयर. ठीक है, नाउ हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट वन. सेवेंथ पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम. ये पॉइंट कह रहा है एक बिजनेसमैन ने ही सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट की है. पॉल्यूशन है, अनसेफ वर्किंग कंडीशन है, चाहे डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इनकम है, ये सब आई किन की वजह से? बिजनेसमैन की वजह से. तो बिजनेसमैन की ड्यूटी है कि वो इन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए एफर्ट्स करे. क्लीन गंगा मूवमेंट में किसको कहा गया था? बिजनेसमैन को कहा गया था कि आप पैसा कंट्रीब्यूट करें ताकि ये जो रिवर गंगा आपके पोल्यूटेड वाटर को यहाँ पे डालने की वजह से पोल्यूट होती जा रही है, इसको क्लीन किया जा सके, राइट? आगरा में अगर मैं बात करूं कि एसिड रेन की वजह से ताजमहल खराब हो रहा है या फिर आसपास के इंडस्ट्रियल हाउसेस से जो स्मोक आ रहा है उसकी वजह से ताजमहल येलोइश होता जा रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट बिजनेसमैन से क्लेम कर सकती है कि आप कुछ पैसा दो ताकि इस नेचुरल और मैनमेड ब्यूटी को मेंटेन करके रखा जा सके. तो क्या कह रहे हैं देखिए, बिजनेस हैज क्रिएटेड सम सोशल प्रॉब्लम सच एज पोल्यूशन, क्रिएशन ऑफ अनसेफ वर्क प्लेसेस, डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा. इट इज द मोरल आर्ग्यूमेंट दैट बिजनेस हैज एन ऑब्लिगेशन टू हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम. मैंने पानी गिराया तो मुझे ही कपड़ा लाके साफ करना पड़ेगा ना. घर पे अगर आप चाय पी रहे थे और आपसे गिर गई तो आपको ही उसको साफ करनी पड़ेगी, जगह फ्लोर तो आपको ही क्लीन करना पड़ेगा. तो वैसे ही बिजनेसमैन ने अगर कुछ गलती की तो उसको सुधारना भी उसी को पड़ेगा. तो देखिए क्या कह रहे हैं ये, देयर इज अ मोरल आर्ग्यूमेंट दैट बिजनेस हैज एन ऑब्लिगेशन टू हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम बिकॉज इट हेल्प इन क्रिएटिंग दोज और इन परपेचुएटिंग दोज प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स को बढ़ाया भी उसी ने है तो उनको सॉल्व करना भी उसी की ड्यूटी है.
Businessmen must take initiative to solve social problems because these are created as a result of business operations. बिजनेसमैन की वजह से ये सोशल प्रॉब्लम्स आई हैं, तो बिजनेसमैन की ड्यूटी है इन सभी सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. ओके एवरीवन, गो विद द 7 पॉइंट्स, रीड इट आउट. अगर आपको लग रहा है कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए. नो कंफ्यूजन. चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. इन चैप्टर नंबर 6 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. नंबर 1 मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड नंबर 2 वी हैव कवर्ड द case for social responsibility. Topic number 3 is very important and very simple. Responsibilities of businessman towards different interest group. जब मैं social responsibility की बात कर रही हूँ तो society बहुत wide है. Society में अलग अलग groups हैं और उन अलग अलग groups के लिए आपकी अलग अलग responsibility है. जैसे आपकी life में है ना, अलग अलग लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यंगर सिबलिंग्स हैं, एल्डर सिबलिंग्स हैं, कजन्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर्स हैं, सब आपसे अलग अलग चीजें एक्सपेक्ट करते हैं. टीचर्स की अलग एक्सपेक्टेशंस हैं तो पेरेंट्स की अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, वहीं आपके यंगर सिबलिंग्स की अलग एक्सपेक्टेशंस हैं तो एल्डर सिबलिंग्स की अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, राइट. ग्रैंड पेरेंट्स आपसे कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं. वैसे बिजनेसमैन से भी अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं. कौन कौन से ग्रुप्स हैं देखिए, कंज्यूमर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट है, सप्लायर्स हैं, कम्युनिटी है, ओनर्स और मीडिया, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं. तो सबके लिए बिजनेसमैन की अलग अलग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. हैव अ लुक. हम पढ़ेंगे अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी. नंबर 1 वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन टुवर्ड्स कस्टमर्स या कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन है? हम और आप. हम जो बिजनेसमैन से सामान लेके आ रहे हैं हम कौन है? कंज्यूमर्स हैं. तो आप सोचिए, हम बिजनेसमैन से जो जो चीजें एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी चीजें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कंज्यूमर में आएगी. पहला पॉइंट देखिए, प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम्स बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. हम दिवाली पे पटाखा जला रहे हैं तो हम चाहेंगे ना कि वो हमारे लिए सेफ हो. अगर हम एलपीजी को यूज कर रहे हैं अपने किचन में तो हम चाहेंगे कि गैस सिलेंडर सेफ हो. प्रेशर कुकर लेके आ रही है हमारी मदर तो वो एक्सपेक्ट करेगी कि ये प्रेशर कुकर सेफ हो. गीजर लगवा रहे हैं हम बाथरूम में, एसी लगवा रहे हैं अपने रूम में तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये हमारे लिए सेफ हो. तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसमैन की जो कस्टमर के लिए है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम्स बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. अच्छे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए सेफ चीजें बनाए ये कंज्यूमर के लिए. नंबर 2, हम क्या चाहते हैं? जब भी हमें मैगी खाने का मन हो तो हमारे पास वाली शॉप पे मैगी अवेलेबल हो. आप सोचिए, आपका बहुत मन हो गया कि आपको मैगी खानी है और आपके घर के पास की 2 दुकानों में मैगी अवेलेबल ही नहीं, कितना बुरा लगेगा आपको? बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? घर पे भी नहीं है और पास वाली शॉप पे भी नहीं मिल रही, डेफिनेटली बुरा लगेगा. तो बिजनेसमैन की ये ड्यूटी है कि वो रेगुलर सप्लाई दे गुड्स और सर्विसेज. जब भी हम शॉप पे जाएं तो आपको वो गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हो. नंबर 3, हमें प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है ये भी तो बिजनेसमैन ही सिखाएगा. नया प्रोडक्ट अगर आ रहा है तो उसको यूज कैसे करना है ये बिजनेसमैन हमें एजुकेट करेगा. तो टू एजुकेट कस्टमर रिगार्डिंग द यूज एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है और प्रोडक्ट के क्या क्या कंटेंट्स है इसके बारे में कंज्यूमर को सिखाना. So the 3 points are production of safe items by maintaining quality standards. अच्छी quality के safe items produce किए. Number 2, to ensure regular supply of goods and services. And number 3, to educate the customers regarding use and contents of the product. हमें बताएं कि product क्या है, उसको कैसे use करना है, उसमें क्या क्या चीजें मिलके वो product बनाए. Product के ऊपर लगा हुआ होता है ना label. कोई चीज veg है या non veg है तो हमें पता तो चले उसको देख के. तो यही चीज. नेक्स्ट, बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग में झूठ ना बोले प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है? ये भी बिजनेसमैन की कंज्यूमर के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप सोचिए, एड में बताया लेस के साथ 30% एक्स्ट्रा और हम लेने गए तो हमें पुराना पैकेट मिल गया तो हमें बुरा लगेगा ना. तो इसलिए कंज्यूमर के लिए ये ड्यूटी है बिजनेसमैन की कि हमेशा एडवर्टाइजमेंट में वही बात बताए जो उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रूव है. नेक्स्ट, टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. किसी भी तरीके की चीटिंग ना करें. फेयर की कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है. फेयर यानी सही.
सही ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो करे, कंज्यूमर्स के साथ कोई भी चीटिंग ना करे, किसी भी तरीके का धोखा उनको ना दे. नेक्स्ट वन, टू हैंडल कंज्यूमर्स कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंसेस क्विकली. बहुत क्विक बेसिस पे कंज्यूमर की कंप्लेन को सुने और उनको समझे. ग्रीवियंसेस का मतलब है डाउट्स, प्रॉब्लम्स. तो जो भी कंज्यूमर को प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम्स को क्विकली रिस्पॉन्स करे. नेक्स्ट, टू डिजाइन एंड डेवलप द प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर. प्रोडक्ट बना किसके लिए रहे हो? कस्टमर के लिए बना रहे हो, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करे. राइट, जैसा कस्टमर को चाहिए वैसा ही डिजाइन करे. तो लर्न करते हैं व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेसमैन टुवर्ड्स द कस्टमर. नंबर वन, टू सप्लाई हिम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सेफ प्रोडक्ट्स, राइट, बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. नंबर टू, टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नंबर थ्री, टू एजुकेट द कंज्यूमर रिगार्डिंग द यूज एंड कंटेंट्स ऑफ प्रोडक्ट. नंबर फोर, बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग. आप क्या कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट क्या है, उसके बारे में सही बात बताओ. एंड फिर, टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, टू हैंडल द कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंसेस ऑन अ क्विक बेसिस, एंड टू डिजाइन द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कंज्यूमर. नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय बनेंगे तो सबसे पहले एक्सपेक्ट क्या करेंगे? एक बढ़िया पेमेंट, बढ़िया सैलरी और वेजेस हम एक्सपेक्ट करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम जाके उसके एम्प्लॉय बनेंगे तो. तो देखिए, द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स. वर्कर्स को फेयर पेमेंट दो और वर्कर को एडिशनल जो भी बेनिफिट्स आप दे सकते हो वो बेनिफिट्स अवेलेबल करवाओ. कंपनसेशन वर्ड इज यूज फॉर पेमेंट, ठीक है, यहाँ पे पेमेंट के लिए यूज हुआ है, तो वर्कर को सही पेमेंट दो. हाई सैलरी मत लिख देना, फेयर कंपनसेशन लिखना. नेक्स्ट, टू प्रोवाइड द एम्प्लॉय गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन. वर्किंग कंडीशन जो है जिसमें वर्कर को वर्क करना है वो सही हो, सेफ हो. नंबर थ्री, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसको अपॉर्चुनिटीज दो, उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करो. नेक्स्ट, टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है अपनेपन की भावना, द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी है. तो एम्प्लॉय को एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप करो उसके अंदर, सो दैट ही कैन फील सिक्योर्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड ही कैन ऑल्सो डेवलप ट्रस्ट विद योर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एम्प्लॉय. नेक्स्ट, to provide incentives and services like housing, medical, insurance, retirement benefits, etc. To provide him various additional services. जैसे government job में मिलता है ना, अगर हमारा IAS, RAS level का appointment है तो जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ हमें house मिलेगा, medical facilities मिलती है, retirement benefits मिलते हैं, ये तो private sector में भी मिलता है, insurance benefit और कुछ additional benefit. तो ऐसे extra services दो. You can add one more point over here to provide some extra benefits to the workers. जैसे कि अगर एक teacher है तो वो expect करेगा उसके बच्चों की education school में discounted fees में हो जाए. अगर कोई किसी restaurant में काम कर रहा है तो वो expect करेगा उसकी family को दो dinner free मिल जाए. अगर कोई railway में काम करेगा तो वो चाहेगा उसकी family को trip जो वो reasonable rate पे मिल जाए. तो ऐसी कुछ एडिशनल फैसिलिटीज अपने एम्प्लॉयज को दो, सो दैट दे कैन बी मोटिवेटेड टू वर्क मोर. राइट, अब पहले ये वाला पोर्शन लर्न कीजिए. क्या क्या लर्न करना है आपको? रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स कस्टमर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स एम्प्लॉयज. देखिए, और आपको लग रहा है कि इनमें कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए. यू आर हैविंग 2 मिनट्स. Yes, so we have completed these two parts. I hope आपने learn कर लिए होंगे towards consumers and employees. Next one, towards the owners, shareholders or investors. जिन लोगों ने मेरे business में पैसा लगाया है उनके लिए भी business की कुछ social responsibility है. अब आपको लगेगा owner, businessman खुद अपने लिए क्या करेगा, तो बिल्कुल उसको खुद के लिए भी कुछ करना है. उसको अपने इन्वेस्टर, जिन लोगों ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है उनके लिए भी कुछ करना है. नंबर वन, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट. अ बिजनेसमैन मस्ट इंश्योर दैट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन हिज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कैप्ट सेफली.
उसको ऐसी जगह लगाया गया है कि वो सेफ है और वो पैसा डूबेगा नहीं। नंबर टू, टू एंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई भी कहीं भी मनी इन्वेस्ट करता है देन द पर्सन एक्सपेक्ट्स अ रेगुलर रिटर्न फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बिजनेसमैन की ये ड्यूटी है कि वो ओनर को फेयर रिटर्न देता रहे, इन्वेस्टमेंट पे प्रॉपर रिटर्न देता रहे। नंबर थ्री, टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अगर आपकी कंपनी में किसी आउटसाइडर ने मनी इन्वेस्ट किया है, सपोज आई हैव इन्वेस्टेड मनी इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देन आई एम द इन्वेस्टर, नाउ इट इज योर ड्यूटी टू प्रोवाइड मी proper financial information about your organization, to provide me each and every information which affects the financial condition of your organization. ठीक है, तो investor के लिए it is one of the responsibility of business organization कि वो investor को बताता रहे कि investor की जिस organization में investor ने money invest किया है उस organization की financial position कैसी है, वो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सेफ चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। नेक्स्ट, टू एंश्योर एप्रिशिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मनी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें ताकि इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो एप्रिशिएट होता रहे, इन्वेस्टर का जो मनी है उसमें एप्रिशिएशन आता रहे, उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती रहे। आप पूछना आपके पेरेंट्स से, अगर शेयर मार्केट में मनी इन्वेस्ट करते हैं तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके इन शेयर्स की वैल्यू बढ़ती रहे। तो वो वैल्यू बढ़ेगी कब, जब आप पैसे को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। एंड नेक्स्ट, टू अलाउ द इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। इन्वेस्टर्स को डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाएं, उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटीज दें। दीज आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द ओनर्स, और वी कैन से टूवर्ड्स द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर भी इन्वेस्टर्स ही होते हैं, और अगर शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो वो ओनर्स बन जाते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है उनको क्या क्या करना है आपको उनके लिए। नंबर वन, यू हैव टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। नंबर टू, यू हैव टू इंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय देम। सपोज आपने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? नंबर वन, आपका पैसा सेफ रहे। नंबर टू, आपको टाइम टू टाइम रिटर्न मिलता रहे। नंबर थ्री, मैं आपको बताती रहूं कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है। नंबर फोर, मैं आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करूं। एंड नंबर फिफ्थ, मैं आपको डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाऊं। दीज आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेसमैन टूवर्ड्स द ओनर। आई होप ऑल दीज आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ पॉइंट नंबर फोर फाइव, वेट फॉर अ सेकेंड, 4, 5 and 6 are your homework. Reading करके रखेंगे, explain मैं करूँगी। ठीक है? Yes, बेटा, you can unmute and speak. मैम, ये information कौन देता है share और होगी financial position? ये information company update करती है। जितनी भी company की, जैसे अगर मैं बात करूँ general public की, तो company अपनी sites पे upload कर देगी। और अगर मैं बात करूँ investor को ये information कौन देगा, तो company का management। कंपनी के मैनेजमेंट में एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा जिसकी ये ड्यूटी होगी कि कंपनी के बारे में कंपनी के सभी इन्वेस्टर्स को अपडेट करता रहे, कंपनी के बारे में इन्वेस्टर्स को मेल सेंड करता रहे कि अभी हमारी कंपनी की कैसी कंडीशन चल रही है। ब्रोकर करते हैं क्या? हाँ, ब्रोकर्स भी होते हैं, बट ब्रोकर्स का काम तो जनरली शेयर्स की डीलिंग करवाना होता है। ब्रोकर तो आपको एक बार इन्फॉर्मेशन देगा जब वो चाहता है कि आप उस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लें या सेल कर लें, तो वो आपको अपडेट कर देगा, भाई मैंने क्या किया, मैंने शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन करवाया, डीमेट अकाउंट, और मैं चाहती हूँ कि मैं शेयर्स की डीलिंग करूँ। तो ऐसे में मेरा ब्रोकर मुझे अपडेट जरूर करता रहेगा कि क्या चल रहा है, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है, कौन से शेयर में नहीं। बट अगर इंडिविजुअल लेवल पे आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो बिजनेस के मैनेजर की ये ड्यूटी है कि वो आपको अपडेट करे विद ऑल द इंफॉर्मेशन। इज इट ओके मैम? कल क्लास नहीं है ना? कल सैटरडे है, कल क्लास नहीं है, कल आपका गूगल फॉर्म टेस्ट है, संडे को भी नहीं है। बिल्कुल, अब हम मिलेंगे मंडे को। ठीक है, चलिए मैम, आप टेस्ट है गूगल फॉर्म? हां जी, कल गूगल फॉर्म टेस्ट है बेटा आपका, हर वीक टेस्ट होता है ना, तो कल आपका गूगल फॉर्म टेस्ट है। कुछ कंफ्यूजन हो तो क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना। Yes, you have raised your hand earlier also, but you haven't unmuted yourself. बिना unmute किए आप कैसे बात करेंगे ये बताइए।
I have given you unmuted rights. In case of any problem, you can call me after your class. Okay? All right, everyone. Yes, Karan.